बीते कुछ समय से चेन्नई के तट के पास कई वेल शार्क देखी गई हैं। इन्हीं वेल शार्क को देखने के लिए ट्री फाउंडेशन की अध्यक्ष सुप्रजा धरिणी के नेतृत्व में एक टीम और कुछ स्थानीय मछुआरे तटीय इलाकों में पहुंचे। सुप्रजा का कहना है कि चेन्नई के तट पर वेल शार्क का दिखना अनोखी बात है, और क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने पर बैन है, इसलिए हो सकता है कि ये शिकार की तलाश में यहाँ आ रही हैं। वेल शार्क सामान्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के समुद्री तटों में देखी जाती है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के रिसर्चर जो किजाकुदान कहते हैं कि ये वेल शार्क खाने की तलाश में अप्रैल से जून के महीने में माइग्रेट होती हैं। इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी देखा जाता रहा है, लेकिन चेन्नई के तट पर इनका देखना एक दुर्लभ घटना है, जो किजाकुदान दावा करते हैं, क्योंकि भारत के तट में 3000 जगहों पर आर्टिफिशियल अंडरवाटर चट्टाने बनाई गई हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में तटों के पास और भी वेल शार्क देखने को मिल सकती हैं। वहीं सुप्रजा कहती हैं, वेल शार्क सबसे बड़ी शार्कों में से एक है। ये छोटी मछलियों और समुद्र में पाए जाने वाले छोटे मोटे जीवों को खाती है। ये अपने विशाल शरीर को पर्याप्त खाना खिलाने के लिए लंबी दूरी का सफर तय करती हैं। ये आमतौर पर शांत स्वभाव की होती हैं।